हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 मार्च है, और 22 मार्च के संबंध जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूँ। बात की जाएगी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, यूपी पीएससी को लेकर के, सेना भर्ती को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम सभी लोग बात करेंगे, आज यूपी ट्रिपल एससी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई सेल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। बात की जाएगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस माह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 रिजल्ट जारी कर दिया है। अब 2 रिजल्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है और आबकारी सिपाही का अंतिम चयन 405 पदों के लिए जारी कर दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी में कल भी धरने दिए गए थे, लेकिन धरनों का केवल वही मतलब होता क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा ना होने के कारण बहुत कुछ दबाव यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर नहीं बनाया जा रहा है। अब रही बात आपके रिजल्ट को लेकर के, तो इस हफ्ते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर सकता है। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट 2016 536 पदों के लिए रिजल्ट जो है अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती परीक्षा आई थी लगभग 79 पदों के लिए, उसका भी अंतिम परिणाम इसी सप्ताह जारी किए जाने की पूरी संभावना दिख रही है। तो 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट इस सप्ताह यूपी ट्रिपल एससी जारी कर सकता है। रही बात लेखपाल भर्ती के कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक नई कट ऑफ जब देगा तब सभी लोगों से एक बार पुनः आवेदन लिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आपको सूचित किया जाएगा कि आखिरकार लेखपाल भर्ती के लिए किन बच्चों को कितने नंबर तक के जो अभ्यर्थी हैं, परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो वो आपकी फरवरी में ही पूरी हो चुकी है और पिछले 1-1.5 माह से सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार है कि आखिरकार लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ कितनी जाने वाली है। लगातार आप सभी लोग तैयारी बनाए रही, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया हूँ कि लेखपाल भर्ती मई माह में होनी है, तो पूरे के पूरे आपके पास 2 माह बचे हुए हैं और पूरी तरीके से लेखपाल भर्ती के लिए लगे रहिए। जैसे भी कुछ और भी ये लेखपाल के बाद चाहे बात की जाए, उसके बाद भी अन्य भर्तियाँ आएंगी, लेकिन इन भर्तियों में बेहद ही पदों की संख्या ज़्यादा है। साथ में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात किया जाए तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्जामिनेशन इसी अप्रैल माह में किया जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यही है कि यूपी ट्रिपल एससी नई कैलेंडर को लेकर के स्थितियाँ बहुत जल्द आपको सामने होंगी और वो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अपलोड आपको मिलेगा। जी हाँ, आप सभी लोग, वहीं मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि पैट परीक्षा को लेकर के दोबारा जो पैट परीक्षा होने वाली है पैट 2.0, तो वो एग्जामिनेशन जून जुलाई तक ही होने वाला है। अभी पैट की परीक्षा को लेकर के कोई भी अभी भी यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी प्लानिंग अभी नहीं चल रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हो गई हैं आज यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। आगे बात करेंगे हम सभी लोग यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के संबंध में। देखते हैं कुछ खबरें प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यहाँ से देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से। खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगियों पर जोर, योग्य भर्ती न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 की तमाम भर्तियों में पद खाली है और उन पदों को भरने की मांग जोर पकड़ रही है। आयोग के अध्यक्ष व सचिव को प्रतियोगियों कई बार पत्र लिखा है लेकिन उचित कदम नहीं उठाया, तो सोमवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। आयोग ने 2021 में कई प्रमुख भर्तियों का परिणाम जारी किया, इसमें से बात अगर किया जाए तो जल्टी गेट 2018 में 3241, पीसीए 2019 में 19, पीसीए 2020 में 11, आरओ और एआरओ 2016 में 43, सहायक संख्या के अधिकारी यानी एएसओ की 15, जेई 2013 सिविल अभियंत्रण में 480, वहीं अर्थ व संख्या निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी नियोजन विभाग में 231, एलोपैथिक चिकित्सक का श्रेणी 1 में 311, डेंटल सर्जन के 60, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी अच्छी श्रेणी के 33, राजकीय मेडिकल कॉलेज के तहत सहायक आचार्य रेडियो डायग्नोसिस के 23 पद खाली हैं। प्रतियोगियों
मोहित शर्मा, मोहन कुमार आदि का कहना है कि पद खाली छोड़ना अन्याय है, आयोग या तो मेरिट गिराकर नियुक्ति करे अथवा नई भर्ती जल्द से जल्द निकाले। तो निश्चित तौर पर अगर आप सड़क नहीं कर रहे हैं तो आप नई भर्ती को जल्द से जल्द दें, ताकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं जो लगातार भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक अवसर और मिले। आगे क्या खबरें हैं यहाँ से देखते हैं। वहीं बात करेंगे APS भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 5 वर्ष से APS भर्ती फंसी पड़ी हुई है। देखिए तो यहाँ से अपर निजी सचिव यानी APS भर्ती 5 साल से अधिक समय से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2016 में ही तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया और आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया है। नए भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए अभ्यर्थियों की आयु की गणना वर्ष 2016 को आधार मानकर ही किया जाए। APS भर्ती के पिछले 2 विज्ञापन विवादों में घिरे हैं। वहीं APS 2010 में हुई धांधली के मामले में CBI की ओर से FIR दर्ज कराई जा चुकी है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति के बाद भी अब तक अस्थायीकरण नहीं हो सका है। वहीं APS भर्ती 2013 में अनियमितता की मामला सामने आने पर आयोग ने ही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे थे। ऐसे में APS 2010 के बाद अपर निजी सचिव के पदों पर कोई भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। आयोग वर्ष 2016 में APS के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था और इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर आयोग ने वर्ष 2017 और 2018 के परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती को शामिल किया था, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया है और रिक्त पदों पर भर्ती अब तक फंसी हुई है। तो अब इस भर्ती को निश्चित तौर पर जल्द से जल्द जारी करना चाहिए आयोग के द्वारा, क्योंकि 5 सालों से इस प्रकार से भर्ती चक्र फंसाए रहना ये उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अन्याय की बात है। अगर आपके पास अध्याचन आया है, पद खाली है, तो इसका भर्ती विज्ञापन निकालिए। उत्तर प्रदेश का युवा अपने योग्यता दिखाएगा और उस योग्यता के अनुरूप अगर आप उतरता है तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम सभी लोग सेना भर्ती को लेकर के। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान के जरिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था कि चुनाव के दौरान ही विधानसभा चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह के सामने ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उनसे सेना भर्ती को लेकर की बात कही थी। अब उनका देश इतने ही क्या बयान जारी हुआ है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बोला है, जो रक्षा राज्य मंत्री उन्होंने क्या कहा है नई सेना भर्ती को लेकर के, आप देते हैं। कोरोना की वजह से सेना भर्ती पोस्टपोन की गई है, निरस्त नहीं की गई है। देख सकते हैं यहाँ से खबरें। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने सेना भर्ती पर रोक नहीं लगाई है, कोरोना महामारी की वजह से ये पोस्टपोन की हुई है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भर्ती के दौरान भीड़ जुटने से वायरस का प्रसार ना हो जाए, इसलिए भर्तियों को पोस्टपोन किया गया है। भट्ट ने तारांकित सवालों के जवाब में कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, सेना भर्ती के लिए बड़े आयोजन होते हैं, भारी भीड़ होती है, इस अस्थगन को सरकारी रोक ना माना जाए। वहीं देख सकते हैं उनका कहना है कि महिला सैनिकों को लड़ाकू भूमिका देने पर विचार जारी भी है। और उन्होंने बताया भी कि 2019-20 में हुई थी भर्तियाँ, रक्षा राज्य मंत्री बनाया 2018-2019 में सेना के 53,431 सैनिक भर्ती हुए थे। 2020 में महामारी आई, 2021 और 22 में भर्तियां पोस्टपोन करनी पड़ी। हालांकि 2021 और 21-22 में वायुसेना में क्रमशः 8,423 व 4,609, वहीं नौसेना में क्रमशः 2,722 और 5,547 भर्तियां की हुई हैं। युक्त बयान ये रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा जारी किया गया है। आगे हम सभी लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट की भर्ती को लेकर के। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियां कहीं ना कहीं उनके ऊपर लांछन लग जाता है उनके कुछ गड़बड़ी को लेकर के, आज देख सकते हैं क्या कुछ खबर है इसके संबंध में। यहां से हम सभी लोग देख सकते हैं RO और ARO भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी RO युवा सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणामों को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयागराज के अखिलेश कुमार समेत प्रदेश भर के कुल 42 अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। इसमें कानपुर के आदित्य अवस्थी भी याची हैं। मामले में 24 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को ले जाया गया है। आदित्य ने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। NTA ने एपटेक एजेंसी के माध्यम से दिसंबर 2021 व जनवरी 2022 में दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया है।
एपटेक एजेंसी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसे परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आप देखिए इन विवादों के घेरे में यह रिजल्ट आ चुका है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट। अब देखते हैं 24 तारीख यानी अब परसों जो हियरिंग होनी है इस भर्ती को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में क्या कुछ इस वहाँ पर जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी होता है, निर्देश जारी होता है, अभी देख आने वाला समय बताएगा, यानी परसों इसके सामने इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिल सकती है। लगातार हो रहे 9514 दरोगा भर्ती के परिणाम को लेकर के, लेट हो रहे परिणाम को लेकर के निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को कहीं ना कहीं हताशा महसूस हो रहा है। जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से 3 महीने होने वाले हैं इसके एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद, और लगातार ये बातें कही जा रही थी उत्तर प्रदेश पूरी भर्ती प्रति बोर्ड के द्वारा बहुत जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा, और वो रिजल्ट की तारीख लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब संभावनाएँ यही हैं कि इस भर्ती का परिणाम 25 तारीख को नई सरकार के जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही होने वाला है। तो ये रिजल्ट अब कहीं ना कहीं इस सप्ताह भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में है, और ये रिजल्ट अगले सप्ताह तक ही जारी करने को लेकर की स्थितियां बन सकती हैं, यानी 9534 लोगों का भर्ती का परिणाम अब अगले हफ्ते ही जारी होने की उम्मीद दिख रही है। और ये भर्ती आपको पता होगा ये भी कहीं कहीं जिस प्रकार से आंसर की जारी हुआ है, लोगों के नंबरों और भर्तियों के देखे गए हैं, उसमें भी कहीं कहीं धांधली के बहुत बड़े आरोप लगे थे 9534 पदों के संबंध में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आज यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ अन्य भर्ती आयोगों के संबंध में आप तक पहुँचाई गई हैं। आई होप खबरों की सीरीज आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।